Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे हमारे iMac 2019 को जो मैंने कल ही लिया था। So what I did was मैंने सिंपली अनबॉक्स कैसे किया इस iMac को उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया एक दो मिनट का एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके साथ साथ आपको क्या प्रोवाइड होता है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। हम इवन ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या यूटिलिटी है एंड कि ये इवन ओवर प्राइस है या नहीं। So let's begin। राइट, सो आई होप यू लाइक द क्लिप। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट डज इट कम विद। सो ये जो iMac 2019 का बेस मॉडल है इसका अभी करंटली प्राइस चल रहा है आपका अराउंड 1.7 लाख इंडिया में। सो इसके साथ साथ और क्या क्या आता है, इट कम्स विद अ 27 इंच 5K रेटिना डिस्प्ले जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वीडियो एडिट्स, ऑडियो आप सब बहुत आराम से प्रोसेस कर सकते हैं एंड जो आपका 27 इंच है वो सच में बहुत बड़ा है। सो टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फीचर्स, तो इन्होंने चार USB पोर्ट्स और दो C-type पोर्ट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो इन्होंने 8GB हमें इनबिल्ट दी है रैम जो कि आपकी DDR4 है और 1TB फ्यूजन ड्राइव दी है एंड द बेस्ट पार्ट इज जो आपकी 8GB रैम है वो एक्सपेंडेबल है अप टू 64GB। तो आप सोच लीजिए कितना मजा आने वाला है, इसकी कितनी यूटिलिटी है। तो इसमें जो प्रोसेसर है दैट इज 3GHz 6 core इंटेल कोर i5 प्रोसेसर। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ग्राफिक कार्ड, इन लोगों ने इस बार जो ग्राफिक कार्ड दिया है दैट इज रेडियन प्रो 570X एंड जो फेस टाइम है उसके लिए हमें HD कैम प्रोवाइड किया गया। सो आई गेस दैट्स प्रीटी मच गाइस, बिकॉज मैंने इससे ज्यादा रिसर्च नहीं की। रीजन बीइंग मैं टेक गीक नहीं हूँ, मैं ऑडियो इंजीनियर हूँ एंड मेरा जो पर्पस है वो इन सबसे सॉल्व हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या ये ओवर प्राइस है या नहीं। तो देखो मेरा आंसर बहुत सिंपल है, आई हैव बीन यूजिंग एंड्रॉइड सिंस चाइल्डहुड और लास्ट ईयर तक मेरे पास एक MI का फोन था। बट व्हाट आई डिड वाज इस साल मैंने अपग्रेड किया iPhone XR पे एंड आई रियलाइज दैट एक बार आप उस चीज को यूज करोगे यू विल गेट टू नो कि मार्केट में उस जैसा और कुछ है भी नहीं। तो द थिंग इज कि एप्पल के पास मोनोपोली है, एप्पल जैसा और कोई इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। एप्पल में व्हाट आई फाउंड वाज कि वो जो OS है आपका, वो जो क्वालिटी है, वो जो बिल्ड है, वो और कहीं पे नहीं मिलती। तो दैट इज द रीजन आई वुड एक्चुअली से कि इट्स ओवर प्राइस, बट आई वुड रादर से कि वो कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं हमको जो और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। टॉकिंग अबाउट iMac सेम रीजन, आई एनीवे वांटेड टू अपग्रेड माय सिस्टम, अपनी एकेडमी के लिए अपग्रेड करना था अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट गो फॉर द 27 इंच वन, क्योंकि इसके लिए क्या है आई डोंट नीड एन एक्सटर्नल डिस्प्ले ऑल्सो, बिकॉज 27 इंच बहुत बड़ा हो जाता है एंड इसी के साथ साथ यू नो वर्क फ्लो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। सो जो एप्पल का मैजिक माउस है आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दैट एंड आई विल ऑनेस्टली टेल यू कि
वो जो एंड्रॉइड से एप्पल स्विच था ना, वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है. ऑब्वियसली इट कम्स विद अ कॉस्ट, जैसे कि बोलते हैं कि क्वालिटी कम्स विद अ कॉस्ट. टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से कि हम लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ये सोचने में कि ये ओवर प्राइस है या नहीं, बिकॉज यू नो खरीदने के लिए ही बनी है ये चीज. सो आई वुड रादर सजेस्ट कि हम हार्डवर्क करें, अपनी स्किल को इतना पॉलिश करें कि हमारे कोई भी शौक है, हमारी कोई भी डिजायर्स है, वो फुलफिल हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस आउट किया या कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो उसको कमेंट कर दो, आई डेफिनेटली आंसर इट. और कमिंग बैक टू ऑडियो इंजीनियरिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं तो उसको भी कमेंट कर दो. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट.